मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला पकड़ा। शिवपुरी जिले के करेरा थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पकड़ा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने इन शातिर अंतर्राज्यीय बदमाश से एक रिवॉल्वर, राउंड व दर्जन भर से ज्यादा एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक पर ठगी व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस इस पकड़े गए बदमाश से और भी कई मामलों में पूछताछ में जुटी है। करेरा थाने के टीआई सुरेश शर्मा ने बताया कि 23 अगस्त को रमेश पुत्र रघुवीर यादव निवासी ग्राम खिरिया पुनावनी दिनारा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त मनीराम की पत्नी मिथिलेश के रुपए निकालने करेरा में सहायता केंद्र के पास बने एटीएम मशीन पर आया था, तो मेरे पास में खड़े एक अज्ञात युवक ने बातों में फंसाकर मिथिलेश का एटीएम कार्ड बदल लिया। चूंकि खाते में पैसे नहीं थे इसलिए कुछ गया नहीं। एटीएम बदलने की शिकायत रमेश ने पुलिस में कर दी थी। पुलिस ने अज्ञात पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि खेराघाट तिराहे पर एक युवक मिला जिसकी तलाशी ली तो उसके पास एक रिवॉल्वर व राउंड के अलावा दर्जन भर से अधिक एटीएम कार्ड मिले। इन एटीएम कार्ड में मिथिलेश का भी एटीएम कार्ड मिला। युवक की पहचान रतन कुंडू पुत्र गोपाल चंद्र निवासी ग्राम इटिया थोक तिलियानी रोड थाना इटिया थोक जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी रतन पर आर्म्स एक्ट व ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। यहां बता दें कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 16 से अधिक मामले ठगी, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज हैं। खिरिया पुनावली थाना दिनारा रिपोर्ट किया 21/8 को ये लोग अपने दोस्त मनीराम कारपेंटर की पत्नी मिथिलेश का रुपया निकालने के लिए एटीएम गए थे। करेरा सहायता केंद्र के पास एसबीआई के एटीएम रुपये निकालने के लिए गए थे। एक अज्ञात व्यक्ति पहले से वहाँ खड़ा था, उन्होंने एटीएम को जो है छलपूर्वक बदल दिया। उसके बाद वहाँ से वो चला गया, उनके साथ धोखाधड़ी से पैसे निकाले और चला गया। इस पर थाना करेरा में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लेकर हमारे शर्मा जी जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, अभी शराब, धुआं, सट्टा, उत्खनन, चोरी, धरपकड़, जीरो टॉलरेंस का चल रहा है, उसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे मार्गदर्शन में करेरा पुलिस को शाम को 24/8 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खेरा घाट किराए पर रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ है, कोई वारदात के उसमें गंभीर वारदात करने के उस पर है। हमारे टीआई साहब जो है शर्मा जी ने अपने स्टाफ के साथ त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल एवं एक जिंदा राउंड बरामद किया और उसके बाद से जो घटना में बदला एटीएम था वो और 12 एटीएम उसके पास मिले, जो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड देखने में पता चला कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 14 मामले पहले से पंजीबद्ध थे। इस बार करेरा पुलिस द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, इसके लिए मैं करेरा टीआई साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। राजीव अकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 7th रैंक ऑफ MBA बाय AKTU assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.